राम राम जी सबको। तो मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ अपने साड़ी लुक से। जी हाँ, मैंने आज साड़ी पहनी है, येलो कलर की साड़ी पहनी है मैंने, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और साड़ी लुक भी मुझे बहुत अच्छा लगा। चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे हमारा साग बन रहा है। मम्मी इसका मुआयना कर रही हैं कि साग पका है या अभी नहीं। और मैं यहाँ पर प्याज काटने लगी, साग के छोंक की तैयारी करने लगी, तड़का लगाने की तैयारी करने लगी। और साग वैसे आधा बन ही चुका है, पक ही चुका है। और जल्दी से मैंने झटपट प्याज काट ली। प्याज काटनी, चलते हैं अपने साग छोंकने की तैयारी में। वैसे तो प्याज जो है ना, काटते काटते आंसू आ जाते हैं जो इंसान नहीं रो रहा उसे भी रोना आ जाता है। अगर किसी को रोना नहीं आ रहा ना विदाई में, लड़की को प्याज काटने में बैठा दो, विदाई पर आंसू आ जाएंगे। पर विदाई पर तो अपना आप ही आ जाते हैं। देखो लो जी, हमारी प्याज ये यहाँ पे कट चुकी हैं। बहुत दिन हो गए थे साग खाए, तो आज हमने साग बना ही लिया। काफ़ी टाइम हो गया था, इन सर्दियों में तो बना ही नहीं था। तो ये कढ़ाई में छौंक डालने के लिए हमने तैयारी कर ली है। कढ़ाई में तेल डाल लिया है। वैसे तो आज मेरा गला भी ख़राब है, पर फिर भी काम तो करना ही है। और ये छौंक बनाने के लिए प्याज में लहसुन और अदरक का पेस्ट भी डाल लिया मैंने। इसके साथ ही से इसमें डाल दूँगी, लेकिन लहसुन का पेस्ट अगर हम डायरेक्ट डालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा छींट आती है, इसलिए मैंने प्याज के साथ साथ ये डाला है। और ये प्याज हमारी भून रही है। जब तक प्याज भूनती हैं तो हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं साग छौंकने के। ये लाल मिर्च ले ली, मसाले मैंने लिए हैं गिनती के मैंने मसाले लिए हैं। लाल मिर्च, धनिया, ये मैगी मसाला, हींग भी ली थी ये, और नमक मैं पहले ही डाल चुकी थी। बस इतना ही कुछ डालूंगी। और अब इसमें प्याज थोड़ी सी लाल सी हो गई है, तो इसमें थोड़ा जीरा डाल दिया, दोनों का तड़का लग जाएगा। और ये मेरा तड़का तैयार हो गया है, प्याज भुन चुकी है और इसमें मसाले डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी भी ऐड करा है इसमें, क्योंकि वो है ना कि जल ना जाए, जला जला सा कढ़ाई में चिपक ना जाए, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करा था और थोड़ी देर इसे पकाया। तब तक हमारा साग पक के तैयार हो चुका था। अब इसमें से साग लेके थोड़ा सा साग कढ़ाई में डाला, छोंक में डाला, क्योंकि सारा तो नहीं डाल पा रही, इसमें छींक ज़्यादा आती, इसलिए थोड़ा सा साग डाल के इसे थोड़ी देर चलाया, पकाया। और फिर जो बाकी का साग था उसमें मैंने सारा ये छोंक साग डाल दिया, सारा साग में, सारे साग में ये छोंक मिला दिया। अब ये साग हमारा बन के तैयार है। देखो कैसा कलर आ रहा है, अच्छा कलर आ रहा है। और पक पक के बहुत बहुत ज़्यादा पक गया, मतलब बन गया हमारा साग। आटा मैंने मार लिया था, गूंथ लिया था, अब मैं रोटी बना दूंगी। वह मम्मी खाना खा रही है, पूछती हूँ कैसा बना साग। मम्मी कैसा बना साग? साग बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा? मज़ा आया? बहुत बढ़िया, बहुत। आज तो इस बार तो बहुत दिनों में साग खाने को मिला, इन सर्दियों मिला ही ना खाने को, पर आज तो हमने बना ही लिया। हाँ। बढ़िया लगा? बहुत अच्छा। घी तुम डलवाती नहीं? चलो, ये साग मम्मी को बहुत बढ़िया लगा। मम्मी ने तो पास कर दिया मेरा साग। वैसे तो मुझे साग बनाना आता है, पर मम्मी ने पास कर दिया तो सबने पास कर। तो जी मैं भी खाना खाने बैठ गई हूँ। घी डाल के साग खाने का अपना अलग ही मज़ा है, बहुत स्वाद भी लगता है। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।